हम लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि डीवाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल हमारे यहाँ, हमारा गांव में पहली बार स्कूल आए हुए हैं इतना बड़ा। पर मॉनिटर लगा हुआ है, वो टच स्क्रीन, इसकी पढ़ाई भी अच्छी है। बाकी तो जो ऑनलाइन में पढ़ाई होता है वो तो बहुत अच्छा से होता है। फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा उसके। आज हम आए हुए अलकुशा गांव, जहां डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल खुला है। मैं आपको बताऊं कि डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की तैयारी चल रही है। जब हमने इस स्कूल के अंदर आके देखा, कलरफुल बेंचेस, कहीं ना कहीं कलरफुल बेंचेस बच्चों के ब्रेन को डेवलप करेगा, कलरफुल लाइफ देने। और यहाँ के पेरेंट्स से हम बात करके ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्कूल उन अपने बच्चों के लिए चुने हैं उसका क्या मकसद है। आप कहाँ से हैं? चेक पोस्ट चार। चेक पोस्ट से हैं। यहाँ पर बच्चे का एडमिशन जो आप दिलाएँ, क्या सोच के आए? यहाँ पर बेहतर पढ़ाई होगा, और सब स्कूलों से अच्छा स्कूल है ये, बहुत नामी गिरामी स्कूल है। और उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ है, वो टच स्क्रीन, वो उससे पढ़ेगा बच्चा। झारखंड का पहला स्कूल है, सोच से हम यहाँ डालें कि मेरे बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो कुछ बन के ही निकलेंगे। बोकारो है बेहतर इस एजुकेशन हब में। देखिए, मैं फिर एक पेरेंट से बात करके यही जानने की कोशिश की कि स्कूल जो है इंटरनेशनल स्कूल बोकारो में आकर एक बार फिर से एजुकेशन हब को ऊपर ले जाने की तैयारी में है। देखिए, गांव, हमारा गांव में पहली बार स्कूल आए हुए हैं इतना बड़ा, पहले तो ये इतना बड़ा स्कूल थे नहीं। यही सोच के कि सब एडमिशन हुए हैं, कर रहे हैं, बच्चा अच्छा लाइनअप हो रहे हैं। स्कूल तो बहुत ही बड़ा है, देखने में बहुत ही अच्छा है। एक बेंच में दो ही बच्चा बैठेंगे, ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, एक साथ जैसे चार पांच बच्चा नहीं है। हॉस्टल होने वाला है, अगर आप चाहें तो हॉस्टल में भी रखवा सकते हैं, नहीं तो घर से भी अप एंड डाउन करवा सकते हैं, बस बाइसाइकिल गाड़ी। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को जब एडमिशन कराएं उनका क्या सोचना है और किस तरह से उम्मीद लगा के बैठे हैं इस स्कूल से। हमारे साथ हैं एक पेरेंट्स, क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद सिंह। कहाँ रहते हैं रमेश जी आप? पर्वतपुर। पर्वतपुर में आपका यहाँ बच्चा पढ़ता है? हाँ, हमारा पोता पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? वन क्लास में। आप अपने पोता का एडमिशन यहाँ कराए, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे स्कूल दे रही है? यहाँ तो देवी तो पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन से, बाकी तो जो ऑनलाइन में पढ़ाई होता है वो तो बहुत अच्छा से होता है पढ़ाई। टीचर लोग भी बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं, उनसे मिलते हैं, अभी भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और मेरा हम लोग को सौभाग्य है कि झारखंड में और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो ये जो डे पाटिल स्कूल खुले हुए हैं, वो हम लोग को सौभाग्य है कि इतना बड़ा स्कूल, ये इंटरनेशनल स्कूल यहाँ बन गया है, वो हम लोग को बहुत सौभाग्य है। इसे मेरे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इनके जो मालिक है, इनका जो अध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेके कि इस इलाके में इतना बड़ा स्कूल आया और यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारेगा। हमारे साथ एक पेरेंट्स और हैं, इनसे भी बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरा दो बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास सिक्स में और फोर्थ में। तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि डीवाई पटेल इंटरनेशनल जो हमारे एरिया एवं हमारे स्टेट में आएंगे, तो हम लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि डीवाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल हमारे यहाँ आए और हम लोग अपने बच्चे को दिए हैं। मैं काफ़ी और भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को यहाँ डालें, पढ़ाई भी ठीक है। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं तलगड़िया स्टेशन पर्वतपुर में रहता हूँ। तलगड़िया से यहाँ पर? तलगड़िया रेलवे स्टेशन। तलगड़िया रेलवे स्टेशन। जी जी। एक चीज़ बताइए कि आने वाले फ्यूचर में इस स्कूल के साइड से क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, जो आपको मैसेज मिला होगा? ये ऑल फैसिलिटीज़ जो मुझे दिख रहा है, इसमें ऑल फैसिलिटीज़ है। जिस तरह कोरोना काल में ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही थी, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं स्कूल विजिट के लिए और हमने भी इस स्कूल का दौरा किया कि आखिर इस लॉकडाउन में
किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? जी मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 3 में। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होगी? यस सर। आपने ये स्कूल को क्यों चुना? ये स्कूल हमारे क्षेत्र में अभी एक अच्छा स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी पढ़ाई भी अच्छी है, और अभी जिस तरह से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। जो बच्चे आप यहाँ पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स टीचर से नहीं कांटेक्ट हो पा रहे, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि बच्चे और टीचर का जो तालमेल है ऑनलाइन से अभी, उससे ही अभी बच्चे अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं। इस स्कूल को चुनने का क्या मकसद? यहाँ पर मैंने पूरा इंटरनेशनल जो अभी का जो हमारा समय है उसके अनुसार भी यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है, उसी लिए हम इसको चुने हैं। ऑनलाइन लग भी रहा है जो मैंने वैसा ही मैंने सही मैंने स्कूल चुने हैं। स्कूल से आपको क्या क्या मैसेज मिला है, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिली? अभी बच्चों को मतलब जो मैंने इंटरनेशनल जो फैसिलिटीज है सब प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल से। जैसे क्या क्या बताएं? जैसे मैंने फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, उसके बाद जिस मैंने ये जो इसका ये मैंने ये है एम है, उस एम को मैंने इसे अचीव कैसे किया जाए उसके लिए बच्चों को मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे साथ मोसाडी के चंदन खवाजे, इनका कहना है कि जो एकेडमिक माहौल इस इलाके में होना चाहिए था वो नहीं है, और स्कूल आने से इन लोगों में बहुत प्रसन्नता हुई है कि एक एजुकेशन का माहौल मिला, और वो भी ऐसा माहौल जो इंटरनेशनल लेवल के को मिल सकता है, और यहाँ के बच्चों आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद है। अपने सहयोगी के साथ मैं हिमांशु बताइए। सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये है कि हमारा जो कैंपस है ना वो इट इज़ लाइक वेरी बिग। आप अगर एक छोर पे खड़े होंगे तो आपको दूसरा छोर नहीं दिखाई देगा। इट इज़ ऑलमोस्ट 24 एकर्स ऑफ लैंड जो इस स्कूल के पास है, और फैसिलिटीज़ में जैसे ही आप हमारे गेट से घुसेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बहुत जो लेटेस्ट एक प्ले स्टेशन है वो है, और इतना बड़ा ग्राउंड है जहाँ हम अगर आप पीछे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हम हाफ ओलंपिक वाला स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, और वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी टू दिस कैंपस। तो ये जो फैसिलिटीज़ की बात है इट इज़ अनलिमिटेड। हमारे पास फ्लैट पैनल है जो लेटेस्ट आया है, पहले लोग स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते थे, अब वो फ्लैट पैनल है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरी फैसिलिटी है, अगर आप नॉर्मल एक CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम्स होते हैं, हमारे क्लासरूम उससे करीब करीब 10 से 15 स्क्वायर फीट और बड़े हैं। इट इज़ ऑल बिग स्पेशियस एरी, ये हमारे क्लासरूम पूरे सेट हैं, और जो फर्नीचर हमारे पास है देती है कि इसमें बच्चों को चोट नहीं लगेगी, इसमें एजेस नहीं है, एंड दीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये है हमारा जो बिल्डिंग है ना वो मैजेस्टिक है, जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आज भी हमारे पास 50 क्लासरूम हैं, दो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 6, लेकिन हमारे पास 50 क्लासरूम्स एकदम रेडी हैं। अगर हम आज बच्चे बढ़ भी जाएं तो हम पैनिक नहीं होंगे कि हमारे पास जगह कहाँ से आएगी या हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। फुल है, लिफ्ट का प्रोविज़न है, और रैम भी है हमारे यहाँ कि व्हील के सर आ सके, और हम लोग हर एक तबके के लोगों को केटर करने के लिए तैयार हैं। हमारा फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारा फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस जो है वो हमने 50% स्लैश कर दी, तो इससे पेरेंट्स खुश हैं। दूसरा, हमने जैसे पेपर में हम लोग पढ़े कि बहुत से गांव में लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, तो हम लोग ने उसको भी एक मतलब मोटिवेशनल वो दिया कि आप अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपने वैक्सीनेशन ले लिया है तो हम आपके बच्चे का एडमिशन फ्री में लेंगे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि दो एडमिशन ऐसे हुए हैं जिनके पेरेंट्स ने हमारे इस ऐड को पढ़ा। दूसरा, हमने ये भी पहल की है कि अगर कोई भी पुलिस कर्मी हैं या आर्मी मैन हैं जिनकी किसी भी कारण से अगर वो उनकी डेथ हो गई है तो उनके बच्चों को हमारे संस्था के द्वारा 5% सीट्स रिजर्व्ड की गई हैं
और उनको हमारी जो संस्था है मतलब उषा देवी मेमोरियल ट्रस्ट, उनको फ्री एजुकेशन देंगे। फ्री मींस फ्री स्कूलिंग, बुक्स एंड यूनिफॉर्म। हम तो ये तीन कदम हम लोग ने इस कोरोना काल में जैसे आप लैंडमार्क जैसे आप जोधाडी मोड़ जो बहुत क्लोज है यहाँ से, तो जोधाडी मोड़ हमारे स्कूल से हार्डली 7 किलोमीटर्स है। तो 7 किलोमीटर्स मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और दूसरा कि हम एसी बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे डिस्टेंस है तो कम्फर्टेबली ट्रैवल करें। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।